हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीत। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे भटूरे। तो सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल में यहाँ पर 300 ग्राम मैदा लेकर हम इसमें अब डालेंगे। ये हमने बारीक सूजी ली हुई है 50 ग्राम, इसको इसमें डाल लेते हैं। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करके 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे दही। दही यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें वरना इसको स्किप कर सकते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका नरम आटा लगा लेंगे। आटा हमने लगा लिया है इसका। अब हम यहाँ पर हमने लिया हुआ है 2 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे। और फिर से इसको अच्छे से नीड कर लेंगे। आटे को हमने नीड करके तैयार कर लिया है। अब हम इसको कवर करके रखेंगे 2 से 3 घंटे की प्लेट से। फ्रेंड्स, इधर हमारे आटे को रखे हुए हो गए हैं 3 घंटे। प्लेट हटाकर चेक कर लेते हैं आटे को। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे भटूरे बना लेते हैं। थोड़ा सा पहले हम इसको 1-2 मिनट के लिए नीड कर लेंगे। नीड हमने कर लिया है, अब हम इसके पेड़े निकाल लेते हैं इसमें से। इधर हमने आटे के पेड़े बनाकर रख लिए हैं और इन पे लगाएंगे हम थोड़ा सा ऑयल। हमने बेलन और चकला ले लिया है, इस पे थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। और अब हम ले लेते हैं एक आटे से बना पेड़ा। इसको बेलना शुरू कर लेते हैं। भटूरे को हमें चारों तरफ से एक जैसा ही बेलना है, कहीं से भी मोटा या पतला नहीं रहना चाहिए। और भटूरे को आप कोई सी भी शेप में बेल सकते हैं, जैसे लंबा या गोल। हम यहाँ पर गोल शेप में भटूरे को बेलेंगे। भटूरा हमने बेलकर तैयार कर लिया है। हमने भटूरे को तलने के लिए कढ़ाई में ऑयल डालकर रख लिया है। अब हम ऑयल का गर्म होने तक वेट करेंगे। भटूरे को अब हम ऑयल के अंदर छोड़ेंगे।
देखिए हमारा भटूरा कितने अच्छे से फूल चुका है। तो इसी तरह से हम इसको प्रेस करते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखिए अब अच्छे से सिक चुका है हमारा भटूरा, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से और भटूरे को हम फ्राई करके तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, भटूरे बनके हमारे हो चुके हैं तैयार। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? इसी के साथ साथ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।